बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अब तुम्हें मेरे लिए काम करना है। जो भी देखो और जो कुछ भी सुनो वो मुझे आकर बताओगे। किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए। गुंदस और सुलेमान को इलबिलगी खातून के बारे में खबर देने वाले मुखबिर तुम ही हो। जी खातून। हाँ, मैं इंतकाम लेने आया हूं, लेकिन ये उसका बदला नहीं है, बल्कि मैं उससे इंतकाम लेने आया हूं जिसके हाथ में लगाम है तुम्हारी। बता, ड्रैगोस कौन है और कहां है? कहां है वो? बताओ मुझे कि वो कहां है। अमीर बहाउद्दीन तुम्हें अपनी सौजा बनाना चाहते हैं। भाई सलजान खातून, मैं उम्रुल्लार कबीले का सरदार हूं बेबुलाद। इंशाल्लाह अपने मरहूम बाबा की तरह गलत रास्तों पर नहीं चलेंगे आप, और ये बात भी ध्यान में रहे, ओस कबाइल कभी भी उन वेश्यों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, देख लेना तुम। ये जहरीला शख्स उन बागियों में से है जिसने बाजार में फितना फैलाकर हमें तबाह करने की कोशिश की और नाकाम हुआ। ड्रैगोस नाम के शैतान का साथी है। इतना सारा सोना मंगोल ले जाएंगे भाई, महसूल दुगना कर दिया मलूनों ने, हमारी आवाम पिस रही है। ये बहुत मेहनत से कमाया है लोगों ने, अगर ये माल मंगोलों को दिया गया तो बहुत दुख होगा। ये मेहनत से कमाया हुआ माल उन्हें कभी हजम नहीं होगा। इस वक्त जब मंगोल और उनके साथी हमारा गला घोंटने की कोशिश में लगे हुए हैं, हम उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं दे सकते। अगर ऐसा किया तो वो ना सिर्फ सोना ले जाएंगे बल्कि साथ हमारी जान भी जिस्मों में नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा निजाम शानदार है, लोग ये माल जल्द ही दोबारा कमा लेंगे। फिलहाल ये वक्त ऐसे गुजारना है कि निजाम पर आंचना है, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना होगी। बेबोलाद को पैगाम भेज दिया था? जी भेज दिया था भाई, और उनसे ये कह दिया था कि आज रात खाने पर उनकी दावत है। भाई ये सोना आप बेबोलाद को दे तो देंगे, मगर एक मसला है, वो इस सोने को बाहिफाजत कोनिया पहुंचा सकेगा या नहीं, इस बारे में फिक्रमंद हूं मैं। आप ठीक कह रहे हैं आर्तुक भाई, मैं भी यही बात सोच रहा हूं। पहले रात को उससे मुलाकात करते हैं, फिर इससे मुतालिक कोई फैसला करेंगे। हम इन संदूकों को संभाल कर रख दो, जब तक ये उनके हवाले नहीं कर लेते हमें इनकी हिफाजत करना होगी। जो हुकुम सरदार। बेटा
ये मुश्किल जरूर था, लेकिन आखिरकार हमने अपना कबीला इस जमीन पर आबाद कर ही लिया। घने साए और ऊंचे तने वाले दरख्तों, तुम्हारी फैली हुई जड़ों और शाखों की तरह एक दिन हम भी समरबार हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शरबत पीजिए सरदार। बहुत शुक्रिया सरदार, दोबारा हम इन दरख्तों के दरमियान आबाद हो गए। हमारे अजदाद दरख्तों के दरमियान अपना कबीला इसलिए बनाते हैं यिनाल, कि अगर कोई हमला करे उन पर तो ये ढाल का काम करे। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी ढाल भी नहीं है भाई। सिरमा, ये आपको मेरे तीर से नहीं बचा सकती। हाँ मेरी बहादुर बहन, तुम्हारे तेज तीर से भला कौन बच सकता है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। खुशामदीद मेरी बहन। हाथ पे क्या हुआ बाजी? मामूली सा जख्म है, काम के दौरान लग गया था। सलामत रहो मेरी बहन, कितना याद किया मैंने, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बाकी सिपाही कहाँ है सरमा? वो लोग बस रास्ते में है बाजी, उनसे पहले पहुंच गई मैं यहाँ। माशाल्लाह, सही वक्त पर आई हो। हमने अभी ये निशान लगाया है और अब दाखिल ही होने वाले थे अपने खेमे में। तो देर मत कीजिए भाई, इतने अरसे से एक साथ वक्त नहीं गुजारा हमने, बहुत बातें करनी है, खेमे में चलते हैं। दरख्तों में घिरी इस सरजमीन पर बहादुरी, हिम्मत और जुर्रत की अलामत ये निशान है। अल्लाह हम पर और हमारे आबाओ अजदाद पर रहम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लईस का सूद के चौराहे पर सर कलम करके हमें डराना चाहता है वो अर्दुरुम। ऐसी जालिमाना जंगे मुझे पसंद है और हमेशा फाते रहा हूं मैं। जनाब, वो जल्द ही जान जाएंगे कि ड्रैगोस आप ही हैं, मोहतात रहना होगा हमें। तारा, जो तुमने कहा मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है, एहतियाती तदाबीर कर ली है। वो क्या है? तुम देखोगे तो हैरान हो जाओगे तारा, ये एक तवील खूनी खेल होगा। वक्त आ गया है नई चाल चलने का। उरानूस की कोई खबर मिली? किले की तरफ रवाना हो चुका है। खूब, बहुत खूब।
उठो। मैं हूं कमांडर उरानोस। बादशाह के हुक्म के मुताबिक आज से मुझे इस लेफ्ट के किले का नया कमांडर बनाया गया है। जनाब, इस किले की तमाम आमदनी को हम आमदनी जाए जहन्नुम में। मैं यहाँ घोड़ों की तादाद बढ़ाने या सोना गिनने नहीं आया, बदला लेने आया हूँ। ज़हन नशीन कर लो ये बात। कमांडर लईस के साथ जो कुछ हुआ मैं जानता हूँ। अर्तुरल नामी तुर्क ने सऊद में सरेआम सरतन से जुदा कर दिया। इसका मतलब क्या है जानते हो? बेइज्जती। और उसके किसी भी वफादार ने इस बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश नहीं की। हम उनके आखिरी सांस तक उनके वफादार रहे। जो कर सकते थे किया हमने। लेकिन मेरी नजर में यह काफी नहीं था। बहुत कुछ हो सकता था। क्या करते हैं? सिपाही, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? साबित करो वफादारी। क्या अब तुम्हारी समझ में कुछ आया? वफादारी इसे कहते हैं। तुर्कों के खिलाफ हम खूनी जंग शुरू करेंगे और उस जंग में हमारी मदद के लिए हमारे कुछ दोस्त भी होंगे। सिपाही काफी तादाद में है हमारे पास। जरूरत पड़ने पर कुस्तुनतुनिया से मजीद मंगवा सकते हैं। हमें इनकी जरूरत नहीं है कमांडर उरानोस। बिल्कुल, इन्हें हुक्म दीजिए कि ये फौरन किले से निकल जाएं। वफादारी की पहली शर्त यह है कि बगैर सवाल किए हुक्म की तामील की जाए। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। मुझे नफरत है कि मेरे हुक्म के जवाब में कोई सवाल करे। यहां है सिपाही। आज से यह किला हमारा है। ना कोई शहंशाह, ना ही कोई और। वफादारी किसके लिए है? हमारी वफादारी ड्रेगोस के लिए है। आप हमारी वफादारी कमांडर के लिए है। आप हमारी वफादारी कमांडर ड्रेगोस। हमारी वफादारी ड्रेगोस के लिए है। आप हमारी वफादारी कमांडर ड्रेगोस। हमारी वफादारी कमांडर ड्रेगोस। तो ये सब किया धारा उस ड्रैगोस नामी शख्स का है। कबीला आबाद हो चुका है। बाकी साथियों के आने से हम और भी मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, कल बाबा की कब्र पर ले जाइएगा मुझे। दुआ करना चाहती हूं उनके लिए। मैं कल कुछ मसरूफियात हैं, मुझे जमा शुदा महसूलात कोनिया पहुंचाने हैं। ठीक है, बाजी के साथ चली जाऊंगी। ये भी मेरे साथ कोनिया जाएगी।
क्यों भाई, इन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? एक खुशखबरी है, अमीर बहाउद्दीन से शादी करवानी है इसकी। इस बारे में बाजी क्या कहती हैं? इस बारे में सब कुछ कह चुका हूं मैं, तो इसे कहने की जरूरत नहीं। मैंने कह दिया ये शादी होगी तो मतलब होगी, बस अब बात खत्म हो गई। कैसे बात खत्म हो गई? आपका हर हुक्म औतात में और कबीले में चलता है, लेकिन मेरे दिल पे नहीं चल सकता भाई। अमीर बहाउद्दीन की जौजा नहीं बनना मुझे। इलबिल के, अमीर बहाउद्दीन से शादी करोगी तो हमारा कबीला मजबूत होगा। वो रियासत के अमीर हैं और हमारा मुकद्दर बदल सकते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही ये बात? मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, मुझे ऐसा मुकद्दर नहीं चाहिए भाई, और मैं पीछे नहीं हटूंगी, जान लीजिए। तो फिर मैं तुमसे तुम्हारा दिल ही छीन लूंगा इलबिल के। ये दिल से नहीं अकल से काम लेने का वक्त है। जब तुम अमीर की जौजा बन जाओगी, जब उनके महल में रहना शुरू कर दोगी, तब समझोगी और शुक्रगुजार रहोगी मेरी। अकल को इस्तेमाल करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एक बदनीयत इंसान के लिए इतना क्यों सोचूं मैं? उस महल से हमारा खैमा और ये औताक बेहतर है। मेरा महल वो जमीन है जिस पर मैं आजाद फिरती हूं। आपको क्या लगता है मैं लालच में आ जाऊंगी? मंजूर नहीं है मुझे। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपना नहीं, अपने कबीले के मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। तुम्हें अमीर से शादी करना पड़ेगी कबीले की खातिर। हम सब का मकाम बुलंद हो जाएगा इलबिल के, मजबूत हो जाएंगे हम, हमारा कबीला रियासत बन जाएगा। आप अमीर की नजरों में अपना मकाम बुलंद करना चाहते हैं और इसके लिए मुझे कुर्बान कर रहे हैं। ताकत के लिए, मकाम के लिए, इख्तियार के लिए अपनी बहन को बेचना चाहते हैं। भाई, अपनी हद को पहचानो और फिर बात करो मुझसे। मैं अजीम बेबुलात और उसकी बात उसकी बहन भी ना माने, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा इलबिल के। हम कल ही जा रहे हैं, मैं महसूलात पहुंचाऊंगा और तुम अमीर बहाउद्दीन की बीवी बनोगी। भाई, मेरा मशवरा है कि आमोश, मुझे मशवरा नहीं चाहिए। मैंने आराम से समझाया मगर बात मानने को तैयार ही नहीं वो। अब तुम भी जाओ और उसे समझाओ, पूरी कोशिश करो कि वो चुप रहे, परेशानी पैदा ना करे मेरे लिए, वरना मैं कसम खाता हूं कि उसकी जान ले लूंगा। आज रात तैयार रहना, अर्तुल साहब के खेमे में दावत है। यार तू भाई, अक्सर कल्ली की जानिब से खबर मौसूल हुई है
सदरत इनकुने भी इस वक्त रास्ते में हैं और उनका सऊद आने का इरादा है। बहुत मुमकिन है कि कल तक वो सराय पहुंच जाएंगे। सदरत इनकुने भी उन रूहानी पेशवाओं में से हैं जो मंगोलों के मुखालिफ हैं। यही वजह है कि उनका नाम मंगोलों के दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल है। वो हमारे लिए बहुत खास है हार्दिक भाई। जानता हूं मैं, वो इब्नुल अरबी के काबिल तरीन शागिर्दों में से एक है। इसीलिए वो मंगोलों के बहुत अहम तरीन हदफ है। हम जानते हैं मंगोल यकीनन उनके ताकुब में होंगे, हमें उनकी हिफाजत करना होगी। अक्सर कल्ली को पैगाम भेज दें, कल बजाते खुद उनका इस्तकबाल करके कबीले लाऊंगा। जो आपका हुक्म भाई। बाजी, आपका गुस्सा समझ सकती हूं मैं, लेकिन भाई भी आपको खुश देखना चाहते हैं। सोचिए, एक सलजूक अमीर की जौजा बनेंगी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुझे नहीं बनना सिरमा। अगर तुम्हें भी भाई की तरह बात करनी है तो जाओ यहां से, खामखा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। आपको समझना चाहिए कि ये निकाह हमारे कबीले को ताकतवर बनाएगा। तुम्हें क्या लगता है हम कमजोर हैं? दुश्मनों को हराने की कुव्वत रखते हैं। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन उससे निकाह नहीं कर सकती। सही कहा आपने, लेकिन आप जानती हैं कि भाई एक बार फैसला कर ले तो उस फैसले से पीछे नहीं हटते। अगर आप अपनी जिद पर कायम रहीं तो अच्छा नहीं होगा। आखिर इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप? किसी और को पसंद करती हैं क्या? नहीं नहीं, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, भाई ने कहा है तैयार रहना, आज शाम अर्तुरुल सरदार के औताक में दावत है। बेटी, मौसम सरमा करीब है, पोस्तीन तैयार कर रही हो ना? खाल पे नमक लगा दिया है, कुछ दिन में सिलाई का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटी, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह सलामत रखे आपको। आज शाम औताक में उमरुलार हमारे मेहमान होंगे, खवातीन से कहना तैयारी कर लें, कोई कमी ना रहे, बहुत काम करना है। मैं यहाँ से फारिग होकर खुद ही जाकर अंगीठी वगैरह तैयार करती हूँ, आप फिक्र ना। हाँ। मैं जाके अंगीठी तैयार कर लेती हूँ सलजान खातून, आप जहमत ना करें। शुक्रिया खातून। वालिदा, हर मेहमान अलग अलग अहमियत का हामिल होता है, लेकिन आप जानती हैं ना, उमूर लार पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों बेटी? इलबिल के खातून अगर उस दिन मदद ना करती तो गुंदूस के साथ क्या होता? इंसाफ और सच्चाई का साथ दिया उस खातून ने और अपनी गलतियों पे माजरत भी की। लेकिन ये भी तो सोचे, इरन अगर वक्त पे गुंदूस के पास ना पहुंची होती तो इलबिल के खातून उसका सर कलम कर चुकी होती।
उसके भाई बेबुलात ने सराय में क्या कहा जानती हैं ना आप? आपको मैं सब बता चुकी हूँ वालिदा। उन लोगों का हमारे कबीले के करीब रिहाइश इख्तियार करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चरसियां कहीं थी ले आए हो क्या? जी जनाब। अच्छी है, काम आएंगी। ये क्या कीमत है? 20 सिक्के जनाब। दुकान की कीमत नहीं पूछी, सिर्फ इस रस्सी की पूछी है। ये बहुत ज्यादा है। महसूल दुगना हो गया है जनाब, इसलिए कीमत भी बढ़ गई है, मजबूरी है। मंगोलों की वजह से कीमत भी दुगनी हो गई, पहले क्या कम मुश्किलात थी? ताजर हक बजाने पे महसूल की वजह से कीमत बढ़ गई है। काश महसूलात को बचाने का कोई तरीका होता। बहुत तकलीफ दे है ये। परेशान ना हो भाई, अर्तुरुल सरदार भी इन महसूलात के खिलाफ हैं, वो जल्दी कुछ करेंगे। हो सकता है वो सोना भेजे ही ना। अगर सोना ना पहुंचा तो मंगोल यहां तबाही फैला देंगे। फिलहाल इसका कोई हल नहीं। उमरुल्लार वाले सोना ले जाने की तैयारी में हैं। कल वो रवाना हो जाएंगे। चले अब, बहुत काम करने हैं। भाई, उमरुल्लार कबीले के सरदार बेबुलाद और उनकी बहन आई है। अंदर भेज दो अब्दुल रहमान। खुश आमदीद बेबुलात सरदार। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल साहब। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उमरुल्लार के कारीगरों ने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। इसे अपने कदमों तले जगह दीजिएगा। जहमत की आपने। ऐसे कीमती कालीन को हम अपने पैरों तले नहीं रखते बल्कि औताक की जीनत बनाते हैं। बाई से शर्फ है। बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहन है सरमा, जो आज ही यहां पहुंची है, और मेरी ख्वाहिश थी कि ये इस दावत से महरूम ना रहे। खुश आमदीद सरमा खातून। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। खुश आमदीद। खुश आमदीद। तुम कैसी हो इलबिल की बेटी? ठीक हूँ हाइमा खानम, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, दस्तरखान तैयार है। बहुत शुक्रिया।
परवरदिगार से मेरी ये दुआ है कि ओज में जो हिजरत करके आए वो आबाद हों और फले फूले, जन्नत नसीब हो उन्हें और आसानी हो उनके लिए। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत के लिए शुक्रिया हायमा खानम। हर जानिब आपकी शोहरत बिला वजह नहीं है। बहुत शुक्रिया बेबुलात साहब। दीगर कबाइल की तरह हमारे हाथ भी बासलाहियत और दस्तरखान अल्लाह की रहमत से पुर रौनक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जमा शुदा महसूल कब हवाले करेंगे? सराय में कल आर्तुक भाई आपके हवाले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है। मंगोलों की आमद से पहले हमें ये कोनिया पहुंचाने हैं। आपका रास्ता तवील और खतरनाक है बेबुलात सरदार, मोहतात रहिएगा। आप फिक्र ना करें अर्तुल साहब, मैंने बेहतरीन आदमी चुने हैं। हमारी कोनिया से वापसी तक हमारे काम यहां जारी रहेंगे। आपकी आमद से कबल इलबिलगे खातून ने यहां बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारी निभाई, आपके बाद भी ऐसा ही करेंगी। अगर इन्हें कोई जरूरत हुई तो हम मौजूद हैं यहां। इलबिलगे मेरे साथ जा रही है। क्या हुआ इलबिलगे खातून, कोनिया याद आ रहा है? वहां गर्मी या बारिश तो है नहीं, मौसम सरमा करीब है। यकीनन कोई जरूरी काम होगा जो वहां जा रही है। हो सकता है कोई खास मसला हो। दरअसल कुछ जाती मामला थे अर्तुल साहब। अल्लाह आसानी करे। अजीम जंगजू उरानूस, खुशामदीद। आपकी खातिर जान देने के लिए भी हाजिर हूं जनाब। जान देने के लिए नहीं, जान लेने के लिए बुलाया है तुम्हें। सिपाही किले पर काबिज है, आपके हुक्म के मुंतजर है। हुक्म के मुताबिक तमाम सिपाही आ चुके हैं। बहुत खूब, किले में आने की खुशी में खूनी जश्न मनाया। हमेशा की तरह जनाब, उसके बगैर सुकून नहीं मिलता।
यानी किले में तुम्हारा तारुफ हो चुका है। अब सूद में तारुफ करवाने का वक्त है। तुम्हारे आने की खुशी में बड़ा खूनी जश्न मनाया जाएगा। ड्रैगोस के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। अगर किसी तरह उन्हें पता चल गया कि आप सोना लेकर कोनिया जा रहे हैं तो वो इसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारे कबीले के मर्द जो बात कर दें, हम उस बारे में कोई बात नहीं करते। मेरे भाई का हुक्म ही मेरे लिए सब कुछ है। मंगोलों के लिए ले जाया जाने वाला सोना कल कोनिया रवाना होगा उरानूस, और वो हम उनसे छीन लेंगे। इलबिलगी खातून को कोनिया ले जाना समस्या वाला तर है। कोई ना कोई राज है इसमें आर्थिक भाई। इलबिलगी खातून रात बहुत परेशान और खामोश थी। कौन है वो जिसे डसना है मुझे? वही जो अर्तुरुल के बहुत करीब है, आर्तुक। चलो